आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज के प्रश्नों का टेस्ट सीरीज लगाएंगे। ये आज का पहला प्रश्न है कि धार्मिक स्थल दामाखेड़ा का नाम परिवर्तन किया गया है। अब धार्मिक स्थल दामाखेड़ा को किस नाम से जाना जाएगा? ये सतनाम पंथियों का बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और इसे अब नाम परिवर्तन करके किया गया है कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि भारत की छठवीं साइंस सिटी या विज्ञान नगरी का निर्माण किस जिले में निर्माण होना प्रस्तावित है? तो इस क्वेश्चन का अगर आप सही आंसर जानते हैं तो क्वेश्चन का नंबर लिख के ए बी सी डी जो भी सही आंसर है वो आप कमेंट करेंगे। आशा करते हैं आपको पता रहेगा तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर है रायपुर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपको बता दें कि एक जैसे कि अगर छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि साइंस पार्क का स्थापना कहाँ किया गया है तो सुकमा आता है, लेकिन ये साइंस सिटी का जो अगर पूछा जाएगा तो रायपुर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिरपुर महोत्सव किस जिले में होता है? सिरपुर जो कि लक्ष्मण मंदिर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और लक्ष्मण मंदिर एक विष्णु मंदिर है, तो ये किस जिले में पड़ता है ये प्रश्न है और ये इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, महासमुंद जिले में ये पड़ता है, महासमुंद जिले में, और फरवरी महीने में ये होता है जो महोत्सव है। अगला है कि सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? ये सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य सीता नदी के नाम पर रखा गया है, सीता नदी बहता है और सबसे प्राचीन है, 1974 में इसका स्थापना किया गया है और यह है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि थापड़ी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है? जो थापड़ी नृत्य है या थापटी भी बोल देते हैं इस नृत्य को, तो ये किस जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है? ये जनजाति से प्रश्न है तो इसका सही आंसर है कोरकू जनजाति द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बी ऑप्शन सही है। अगला है कि 2019 में पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता अनूप रंजन पांडे का संबंध किससे है? ठीक है, 2019 में पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता अनूप रंजन पांडे का संबंध किससे है? तो वो है कला से। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सी ऑप्शन सही है। अगला है कि सीता बेंगरा के गुफा में निर्माण नाट्यशाला स्थित है, तो ये सीता बेंगरा की गुफा जो निर्माण है ये नाट्यशाला कहाँ स्थित है? रायगढ़ में है कि रामगढ़ में है कि नवागढ़ में है कि उपरोक्त में से कोई नहीं? एक ऑप्शन इनमें से सही आंसर है जिसको हमें सेलेक्ट करना रहता है। तो सातवें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है सातवें प्रश्न का? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। और जिला में अगर पूछ लिया जाता तो हम लोग सरगुजा लगा देते हैं जीरा में, लेकिन ये पूछा है रामगढ़ में है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बी ऑप्शन। अगला है एनटीपीसी, एनटीपीसी छत्तीसगढ़ में कितने एनटीपीसी हैं? तीन एनटीपीसी हैं। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है ये पूछा है, तो बीजापुर, जसपुर, रायपुर, कोरबा, ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, कोरबा। अब कोरबा में एनटीपीसी है जमनीपाली में, कहाँ है? जमनीपाली। इसके बाद अगर दूसरा बोले, सॉरी, सबसे पहला है कोरबा का, उसके बाद है आपका बिलासपुर एनटीपीसी सीपत है, और भिला क्या बोलते हैं रायगढ़ एनटीपीसी पुसौर, ये तीन एनटीपीसी है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी 1000 ईस्वी में कलचुरी वंश की स्थापना कलिंग राज द्वारा किया गया है। ठीक है, वास्तविक जो संस्थापक वो शिशुक वगैरह अलग है, तो इसका सही आंसर है कि उन्होंने राजधानी जो बनाया था वो किसको बनाया था? तुम्मान को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर, किसको राजधानी बनाया था? तुम्मान को राजधानी बनाया था। अगला है दसवां प्रश्न की छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा किन शैलों से निर्मित है? जो कुटुम्बसर गुफा है ये कहाँ है? यह है बस्तर में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ये गुफा स्थित है, लेकिन ये जो गुफा निर्माण हुआ है वो किस शैली में है, किससे बना है? तो किससे बना है? ये बना है चूना पत्थर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, डी ऑप्शन, चूना पत्थर। अगला है 11वां प्रश्न कि महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है? ठीक है, मैंने कई बार जो ऑनलाइन टेस्ट हमारा 9 बजे वाला क्लास चलता है, 9 बजे वाला, उसमें मैंने कई बार आपको पूछा है इस प्रश्न को, अगर आप दिलाते हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा
चंपारण्य, और चंपारण्य कहाँ पड़ता है, तो ये रायपुर जिले में पड़ता है, रायपुर जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, सेम क्वेश्चन आ गया था इसलिए। अगला है 13वां क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में हुआ है। छत्तीसगढ़ में कई सारे विश्वविद्यालय हैं और उसका स्थापना किस जिले में है और कब हुआ है और क्षेत्र क्या है, ये सभी को इम्पोर्टेंट रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर है रायपुर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। तो उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना दुर्ग में किया गया है, जिसका नामकरण किस पर है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय रखा गया है नाम। ठीक है भाई, दुर्ग, दुर्ग में है, पाटन में, एग्जैक्ट पूछ ले तो पाटन में है। अगला है, और अगला प्रश्न है कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी छत्तीसगढ़ के किस में, किस जिले में है। क्या क्वेश्चन है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, बालको, ये बालको, भारत एल्यूमिनियम, सॉरी भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन या कंपनी बोलते हैं, तो ये किस जिले में है, तो ये है कोरबा जिले में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, कहाँ है, ये कोरबा जिले में है। अगला है कि लम सेना विवाह किस जनजाति में होता है, लम सेना विवाह किस जनजाति में होता है, ये प्रश्न है। अगर आप आंसर जानते रहते हैं तो डायरेक्टली कमेंट करेंगे, मेरे बताने का वेट ना करें। तो इसका सही आंसर है गोड़, डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, गोड़, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला है कि टाइगर कीट के रूप में विख्यात है, टाइगर कीट के रूप में किसे जाना जाता है, टाइगर कीट, ठीक है, तो टाइगर कीट के रूप में जाना जाता है, सी ऑप्शन है, चेंदरू को, जिसे टाइगर वाई या टाइगर कीट के कहते हैं, चेंदरू को जाना जाता है, बस्तर टाइगर भी बोल देते हैं उसे। अगला है मातर त्यौहार कौन मनाते हैं, जो मातर त्यौहार होता है वो कौन मनाते हैं, ये दीपावली के अवसर पर, दीपावली के समय मनाया जाता है मातर त्यौहार, तो ये यादव समुदाय के लोग मनाते हैं, या रावत समुदाय लिख देते हैं, राउत लिख देते हैं या रावत लिख देते हैं, तो सबका मतलब एक ही है। अगला चलते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि बिलाई माता का मंदिर कहाँ स्थित है। क्या क्वेश्चन है कि बिलाई माता का मंदिर कहाँ स्थित है, ये किस जिले में पड़ता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है धमतरी में पड़ता है बिलाई माता का मंदिर, धमतरी आंसर है। अगला है 19वां प्रश्न कि राजस्व की जमाबंदी प्रणाली किसने शुरू किया था। क्या क्वेश्चन है, राजस्व की जमाबंदी प्रणाली किसने शुरू किया था, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन, बहरेंद्र, सॉरी कल्याण साय आएगा दोस्त, मैंने गलत बता दिया था, कल्याण साय इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कल्याण साय। 20वां प्रश्न है और छत्तीसगढ़ में तारापुर विद्रोह कब शुरू हुआ था। क्या क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तारापुर विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो ये कब हुआ था, 1842 में ये हुआ था, और ये 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न में आपने कितना सही किया है, अगर 20 प्रश्न में अगर आपका 15 सही हो जाता है तो आपकी तैयारी लगभग ठीक है, और मैंने थोड़ा इजीली प्रश्न दिया था इस बार। अगले डेली आपको एक वीडियो मिलते जाएगा, तो डेली टेस्ट आप लगा सकते हैं, ये सीजी पुलिस भर्ती और अभी सीजी व्यापम भर्ती, हर भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सीजी भी पीएससी भर्ती, हर एग्ज़ाम सीजी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, सीजी जीके के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।